मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अभी अभी मुंबई से स्वर कोकिला भारत रत्न सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की मौत की बहुत बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आई है। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव होने से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। अभी कुछ ही घंटों पहले ही लता मंगेशकर ने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस लेते हुए दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दिवंगत लता जी की मौत की खबर से देश भर में लता जी के चाहने वालों में मातम पसर गया। लता जी की मौत की खबर ने पूरे बॉलीवुड को भी सदमे में डाल दिया। लता जी की मौत पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की हर बड़ी हस्तियों ने ट्विटर पर श्रद्धांजलि संदेश देते हुए लता जी की मौत पर शोक प्रकट किया। आज देश ने एक बेहतरीन गायिका को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। चैनल अपनी ओर से भी देश की महान गायिका को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। प्योर रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। मेरे पूज्य पिताजी, इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपने पास पाया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे हैं, मुझे गाना सिखा रहे हैं। अगर कभी मुझे किसी बात का डर लगता था तो लगता था जैसे वो मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, डरो नहीं लता, मैं हूँ। इसी तरह हमारे 50 वर्ष गुजरे हैं। अगर वो मेरे पास नहीं होते तो सोचिए, मुझ जैसी एक बहुत ही छोटी सी गायिका, क्या उसे इतनी शोहरत इज्जत मिलती? मुझे नहीं लगता। ये उनका आशीर्वाद है जो आज मुझे इतना नाम मिला है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन है।